हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप एमएस एक्सेल में हेडर फुटर कैसे ऐड कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको यहां पर इंसर्ट टैब में आना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है हेडर एंड फुटर, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है हेडर फुटर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐड नहीं करने वाला हूँ, तो अभी यहाँ पर मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर पेज लेआउट का जो टैब है आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पेज सेटअप का जो ऑप्शन है यहाँ पर इस एरो पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर हेडर फुटर का जो टैब है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर हेडर में जो है नन है अभी, तो आप यहाँ पर से इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसको यहाँ पर पेज वन ऑफ वन इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको शीट वन भी इस तरीके से नेम भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर कस्टम हेडर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप यहाँ पर इसको यहाँ पर से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं ईजिली। आप यहाँ पर जो भी टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको टाइप भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फुटर, आपको यहाँ पर ये नन है, तो आप यहाँ पर भी कोई भी यहाँ पर ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कस्टम फुटर, आप इस पर भी क्लिक कर इसको यहाँ पर से ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको जो भी नेम यहाँ पर टाइप करना है तो आप उसको टाइप कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर सिंपल ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके पास यहाँ पर हेडर एंड फुटर जो है ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आप जो है एक्सेल में हेडर एंड फुटर को जो है ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।